महोबा में एक दरोगा का रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दरोगा खुलेआम एससी एसटी का मुकदमा न लिखने के एवज में युवक से 30,000 रुपये की मांग कर रहा है। पूरे मामले को धारा 151 में निपटाकर खत्म करने की बात कर रहा है। वहीं आईडीओ में अपने पावर को कैसे इस्तेमाल करना है यह भी बता रहा है। महोबा जनपद के महोबकंठ थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटेरा गाँव का है। थाने में तैनात एसआई कमलेश कुमार फोन कॉल पर खुलेआम रिश्वत मांगने की बात कर रहे हैं। राकेश दीक्षित का अपने गाँव के ही अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाद हो गया था। इसी मामले को लेकर महोबकंठ थाने में तैनात एसआई ने राकेश से फोन कर कहा कि तुम्हारे खिलाफ शिकायत है, सुबह 10 बजे तक अगर मामला निपटाना चाहते हो तो 30,000 रुपये लेकर आए, ताकि एससी एसटी में होने वाले मुकदमे को बदलकर धारा 151 में तब्दील कर देंगे। ऐसे वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस विभाग की शाख खराब होने से बचाने के लिए पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह सख्त कार्रवाई करते हुए दरोगा को तुरंत निलंबित कर पूरे मामले की जाँच अपर पुलिस अधीक्षक आर के गौतम को सौंपी। एसपी सुधा सिंह ने बताया कि जाँच रिपोर्ट आने के बाद विभागीय कार्रवाई अमल में ली जाएगी। बांदा से शैलेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक खबर प्रसारित हो रही थी कि जिसमें महोबकंठ के थाने के एक उपनिरीक्षक के द्वारा पैसा मांगने की का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रकाश में आया है। इस संबंध में उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उपनिरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में जांच एडिशनल एसपी को प्रदान की गई है। अग्रिम कार्रवाई जांच आख्या मिलने के उपरांत की जाएगी।